सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास सीबीआई का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐसे में एक बार फिर से बीएमसी को आगे कर दिया है, यानी एक बार फिर सीबीआई ऑफिसर्स को क्वारंटीन करने की तैयारी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कर ली है। जैसे ही बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए तो महाराष्ट्र सरकार का मुंह लटक गया और दिन भर उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग की। उसके बाद एक बार फिर से इस सारे मामले में बीएमसी को आगे कर दिया गया है। बीएमसी के एक ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर सीबीआई टीम मुंबई में 7 दिन से ज़्यादा समय तक यहाँ रुकती है तो ऐसे में क्वारंटीन होना पड़ेगा उन्हें। अगर सीबीआई 7 दिन में अपनी जाँच कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज हम सीबीआई ऑफिसर्स को क्वारंटीन कर लेंगे, जैसे बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया था। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच में रोड़ा डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अन्य तरीकों से जांच को प्रभावित करने का काम कर रही है। एक ऐसे ही सुसाइड केस में सीबीआई टीम राजस्थान के चुरू जिले में एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड की जांच 20 दिन से सीबीआई टीम कर रही है, लेकिन वहां पर सीबीआई टीम को किसी ने क्वारंटीन नहीं किया और न ही 7 दिन में जांच करने के निर्देश दिए गए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का केस उस केस से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब उस मामले में सीबीआई टीम 20 दिन से जांच कर रही है तो सुशांत केस की जांच 7 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएगी? मतलब साफ है, महाराष्ट्र सरकार कैसे भी सीबीआई पर दबाव बनाकर इस जांच को प्रभावित कर रही है ताकि 7 दिन में सीबीआई टीम जल्दबाजी में अच्छे से जांच न कर पाए। बीएमसी की मेहर ने साफ साफ कहा है, जो कि शिवसेना से है, सीबीआई को क्वारंटीन कर दिया जाएगा अगर वह 7 दिन से ज़्यादा समय तक मुंबई में जाँच करती है तो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर 7 दिन में कुछ नहीं हो रहा है तो 10-15 दिन में क्या हो जाएगा, और महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर इतनी ही सीरियस है तो सीबीआई ऑफिसर्स को मुंबई आते ही उनका कोविड टेस्ट क्यों नहीं कर लिया जाता, लेकिन 7 दिन में जांच करने के लिए सीबीआई को क्यों बाध्य किया जा रहा है? मुंबई में लाखों लोग रोज आते और जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार को पता भी नहीं रहता कितने लोग आए हैं और कितने गए हैं, लेकिन केवल सीबीआई को ही क्वारंटीन करने का प्लान महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है। वहीं अब बात करते हैं सौरा भास्कर की, जो कि देश के किसी भी अच्छे मुद्दे पर हमेशा एंटी दिखाई देती है। सौरा भास्कर ने मुंबई पुलिस को सपोर्ट करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से जाँच कर रही थी, लेकिन पता नहीं लोग क्यों उसे बुराई दे रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के आदेश आने के बाद सौरा भास्कर ने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि सीबीआई अपना काम ईमानदारी से करेगी। तो आप देख सकते हैं कि सौरा भास्कर को सीबीआई जांच पर संदेह है, जबकि मुंबई पुलिस की जांच से वह बहुत अधिक संतुष्ट नजर आ रही थी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई को लेकर इस रवैये पर अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही सौरा भास्कर के लिए भी 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।